नमस्कार। किसान आंदोलन आज 26वें दिन भी जारी है। आज किसानों ने बैठक कर फैसला लिया है कि आंदोलन को अब और तेज किया जाएगा। सरकार की चिट्ठी पर कहा गया है कि कल फैसला लेंगे और 26 दिसंबर को शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए न्योता भेजा हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा था कि हम खुले मन से बातचीत करने को तैयार है और कल ही दिल्ली बॉर्डर पर बसे किसानों ने क्रमिक अनशन का विरोध जताया था। आइए सुनते हैं पहले आज क्या कहा गया किसानों की तरफ से। अज की मीटिंग पंजाब दियां 32 किसान जथेबंदियों की हुई है। आने वाले दिनों में चमकौर साहब और फतेहगढ़ साहब का, बड़े साहबजादों का और छोटे साहबजादों का शहीदी दिहाड़ा है। जे हम दोनों सिंधु और टीकरी बार्डर पर बड़े कमिश्नर ढाडी जथे कथावाचक और सिख चिंतक बुला के इत्थे असी इत्थे मनावांगे शहीदी दिहाड़ा। ए 26-27 नूं हरियाणा के लोग टोटल टोल फ्री करेंगे और जो चिट्ठी लिखी है ज्वाइंट सेक्रेटरी अग्रवाल ने उसके बारे में क्या जवाब देना है वो हम कल नूं भारत के सभी जो संगठन है 472 उनकी तरफ से जो कमेटी बनी हुई है वो लेकर देंगे। और उस मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है, कब जाना है, किसके बुलावे पर जाना है वो कल को फैसला होगा। कोई और इंडियन एम्बेसी के बारे में थोड़ा? हाँ, जो हमारी भारत की सरकार ने 26 जनवरी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को बुला रखा है उसके बारे में हम इंग्लैंड के एमपी को लिख रहे हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश करें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सिंगू बॉर्डर पर मुकेश सिंह सेंगर बने हुए हैं। मुकेश, तो किसानों का रुख नरम नहीं पड़ रहा है, क्या आभास हुआ आपकी? काफी लंबी चली इनकी बैठक। देखिए, बिल्कुल सरकार का जो पत्र मिला है उसको लेकर आज किसानों की लंबी बैठक हुई। हालांकि बैठक में ये फैसला नहीं हो पाया कि अभी क्या रणनीति अपनानी है, लेकिन कल एक दोबारा बैठक होगी। मेरे साथ किसान नेता मंजीत सिंह राय जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज की जो मीटिंग हुई उसमें ऐसा क्या हुआ कि आप लोग तय नहीं कर पाए कि आगे क्या करना है? देखिए जी, हमारा एक हमने डिसिप्लिन बना रखा है कि पहले हमारी मीटिंग पंजाब वालों की होती है, जितने पंजाब के संगठन हैं, फिर उसके बाद मीटिंग होती है जो संयुक्त किसान मोर्चा उसकी, उसमें अदर स्टेट से सभी जो किसान संगठन हैं उनके नेता गणाते हैं। तो वो कल बैठेंगे हमारे साथ, सब बैठकर फिर चर्चा होगी। हमने आज चर्चा की है, बाकी उनके साथ चर्चा करके तो फिर सरकार को जो लिखित में देना है उसके बाद दिया जाएगा। तो सारा कल तय होगा जब पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी। उसमें आज हमने एक कमेटी बना दी है जो लीगल राय भी लेगी, जो एडवोकेट्स हैं उनसे, और कल मोर्चे में भी बात करेंगे सारे। अच्छा, ये तो मीटिंग की बात हो गई, लेकिन आंदोलन को लेकर, जो आपका आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आगे क्या आपकी रणनीति है, क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, आंदोलन तो हमारी जो रणनीति तय हो चुकी है पहले वही है कि इस आंदोलन में अभी जो है कि हमारी भूख हड़ताल चल रही है, रोज 11 सदस्य हर रोज बैठते हैं, वो कल सुबह 9 बजे नए आ जाएंगे, वो पुराने उठ जाएंगे, वो ऐसे रेगुलर चलेगा। उसके अलावा हमने बोला है, जैसे कल है किसान दिवस है, उस पर हमने आह्वान किया है पूरे भारत में कि पूरे भारत के लोग जो हैं एक समय का भोजन छोड़ें, कम से कम जो क्योंकि किसान आज भूखा बैठा है रोड पे, तो उसके पक्ष में किसान के पक्ष में होकर एक रोज का छोड़ें। तो उसके अलावा फिर 25-27 बिल्कुल तीन, तो ये भी बात आई है कि 25-27 तारीख को हरियाणा के टोल फ्री किए जाएंगे। तो इस तरह से किसानों ने अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहे हैं, आंदोलन को तेज कर रहे हैं। लेकिन कल एक अहम मीटिंग होनी होगी जिसमें साफ होगा कि आगे सरकार से बात की जाएगी या नहीं की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस बातचीत के लिए। तो जिस तरह से अब ये समझ में आया कि पहले पंजाब के किसानों की मुलाकात बैठक होती है और फिर किसान संयुक्त मोर्चा जो है जिसमें देश भर के किसान संगठन है उनकी ये बैठक हुई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें इस तस्वीर का एक और रुख है, वो है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अम्बाला में जो जब वो पहुंचे तो किसानों ने उनका जबरदस्त विरोध किया, उन्हें अम्बाला से वापस जाना पड़ा। नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए किसी को बधाई देने वहां पे खट्टर जी गए थे, उनका काफिला आगे नहीं बढ़ पाया और इस बीच पुलिस से किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और तस्वीरें भी अपने आप में बयां कर रही हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। तो गजाली, बताइए हुआ क्या यहाँ पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे?
जी देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पिछले एक दो दिन से चल रहा है। कल उन्होंने एक रैली की थी नारनौल में, जहां पर वो पहले प्रोग्राम था कि वो कृषि कानून के बारे में समझाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर लास्ट में प्रोग्राम चेंज होकर ये हो गया कि मुख्यमंत्री जो है SYL कैनाल के बारे में रैली करने वाले हैं। तो उसी से विरोध प्रदर्शन हरियाणा में पिछले, जब से कृषि कानून पास हुए और जब से मुख्यमंत्री का ये बयान आया है और कई मंत्रियों का बयान आया है कि इस आंदोलन में या इस विरोध प्रदर्शन में सिर्फ पंजाब के किसान हैं, तो उस वजह से हरियाणा के जो किसान हैं वो ज्यादा बढ़ चढ़कर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही हाल आज अंबाला में देखने को मिला, जब अंबाला में क्योंकि म्यूनिसिपल काउंसिल के, कॉरपोरेशन के, लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में 27 दिसंबर को, और उसके लिए वहां पर के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात करने कह लें या उनके कैंपेन के लिए मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे, तो किसानों ने पहले ही अलग अलग इलाकों में जो है अंबाला के वहां पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री का जो काफिला है, जो कॉन्वॉय है, उसको वहां से निकाला गया। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने उम्मीदवारों से मुलाकात भी की, लेकिन इस सारे विरोध प्रदर्शन की वजह से उनका प्रोग्राम थोड़ा लेट भी हुआ। सरकार का रुख क्या है इसको देखते हुए, क्या राज्य सरकार की तरफ से कुछ कहा गया, क्योंकि पुलिस और किसानों के बीच में जिस तरह से जोर आजमाइश की भी जानकारियां आई। जी देखिए, सरकार, केंद्र सरकार या भाजपा की जो रणनीति है इस पूरे कृषि कानून को लेकर, क्योंकि अलग अलग जो बयान अक्सर आ रहे हैं और रोजाना आ रहे हैं कि ये किसानों की रैली नहीं है, ये विरोध प्रदर्शन किसानों का नहीं है, बिचौलियों का है, या इसमें हरियाणा के किसान नहीं है, और बीच में हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों का SYL कैनाल के मुद्दे को उठाना, खुद मुख्यमंत्री का जाके केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करना कि आप SYL कैनाल बनवाएं, इस पे हरियाणा के किसानों ने पलट कर यही जवाब दिया है विरोध वाले स्थान से, यानी टीकरी और सिंघू बॉर्डर से, कि हमें अभी SYL कैनाल की उतनी चिंता नहीं है जितना कृषि कानून की है, क्योंकि अगर जमीन रहेगी तभी नहर के लिए पानी की जरूरत होगी। तो फिलहाल सरकार की तरफ से जो भी पैतरा लिया जा रहा है या जो भी रिएक्शन दिया जा रहा है या जो भी बयान आ रहे हैं, उसका बड़ा विरोध हो रहा है हरियाणा में किसानों की तरफ से, क्योंकि सभी मंत्री दो ही बात कर रहे हैं कि कानून आपके फायदे के लिए है, और अगर उस पर विरोध होता है तो फिर वो किसानों पर ही अटैक करते हैं कि भाई ये पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के नहीं है, या विदेशी ताकतें इनके पीछे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं सरकार, हरियाणा सरकार और हरियाणा के किसानों के बीच में जो विश्वास की कमी है वो और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक और तस्वीर इस पूरे आंदोलन की है। सरकार ने एक पोस्टर जारी कर खुशहाल किसान की बात कही और अपनी तरफ से जो कानूनों के फायदे हैं वो दिखाए गिनाए इसमें, लेकिन जो इस पोस्टर में जिस किसान की तस्वीर का प्रयोग किया गया वो आंदोलन पे पिछले कुछ दिनों से बैठे हुए, ये वो किसान भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और हरप्रीत सिंह इनका नाम है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हरप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जब आपने पोस्टर देखा और अपनी तस्वीर देखी तो कैसा आपको लगा और कैसे पता चला आपको कि आप इस पोस्टर में हैं? कल मैं सिंघू बॉर्डर आया था, 2-3 दिन घर गया हुआ था, उसके बाद मैं सिंघू बॉर्डर आया कल रात को। तो जब मैं बैठा हुआ था सिंघू बॉर्डर आके, तो 11 बजे के करीब मेरे को मेरे दोस्त का फोन आया, देख कहता व्हाट्सएप देख, क्योंकि सिंघू पे नेट इंटरनेट बहुत कमजोर है, तो उसने बोला व्हाट्सएप चेक करा पर तुझे कुछ भेजा है। तो मैंने जब देखा तो उसमें ये BJP वालों ने पोस्ट डाली हुई थी कि किसानों MSP जारी रहेगी, ये वो 49% किसानों का धान खरीदा हुआ है, ये वो बला बला बला, सो मेनी थिंग्स है ना। तो फिर मैंने क्रॉस चेक करने के, मैं मुझे लगा फेक ना हो, तो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए BJP के पेज पे जाके देखा तो वहां पे सेम पोस्ट थी। तो आप खुश हुए कि दुखी हुए? हाँ जी, आपको अच्छा लगा कि आप दुखी हुए अपनी फोटो देखकर? अरे नहीं, मैं खुश क्यों होगा, मैं मुझे अफसोस हुआ कि ये मेरी फोटो यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो धरने पे बैठा हूँ, तो ये मेरी फोटो यहाँ पे इंटरनेट पे लगा रहे हैं कि ये देखो खुशहाल किसान, क्योंकि वो पंजाब को डिपिक्ट करती है ना फोटो। फोटो तो मेरी है, बट वो जो उसमें किसान है, जो चेहरा है, वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि पहले इन्होंने हमें कहा कि आप लोग टेररिस्ट हो, आतंकवादी है, ये किसान लोग है ना धरने पे जाएंगे, क्योंकि किसान सरकार तो किसानों के साथ है, तो ये लोग टेररिस्ट हैं, क्योंकि हम लोग जयकारा लगा रहे थे तो जो हमारे धर्म का है। तो बाद में कोई चारा नहीं चला तो इन्होंने नया प्रोपोगंडा कर दिया, नया चाल चल दी कि अभी सारे देश में, जैसे इन्होंने दूसरे स्टेट्स में किसान, कुछ मतलब नकली किसान, फर्जी किसान लेके वो सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं कि ये सही बिल है ना, किसानों के हक में है।
तो अभी उसको ऐसी चाले चलने के लिए इन्होंने पंजाब को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश आपकी की उसकी फोटो का के प्रयोग किया गया, आपको पता था हाँ अर्पित कि आपकी फोटो का प्रयोग किया जाएगा, आपसे नहीं नहीं इजाजत मुझे मतलब ली? मुझे नहीं नहीं मेरी कोई इजाजत नहीं। मुझे कल शाम को जब मेरे दोस्त ने मैसेज किया और फोन किया, कहता चेक कर तुझे एक तेरी फोटो यूज की इन्होंने, तब मुझे पता चला। क्योंकि ये मेरी फोटो 5-6 साल, कम से कम 6-7 साल पुरानी है, तो मेरे सोशल मीडिया हार्ट आगे फार्मर क्या मेरा नाम करेंगे आप? जी आगे, हाँ, आप क्या करना चाहेंगे इस पोस्ट पे? कोई बात नहीं, अगर क्योंकि फोटो है या कुछ एक्शन लेंगे। नहीं उन्होंने फोटो वो जो पोस्ट थी वो तो डिलीट कर चुके हैं अभी, वो डर के इतनी सारी लानतें उनको डली हैं तो वो पोस्ट डिलीट कर दी। अभी वो मैंने अपने एक वकील दोस्त है उससे बात की है, वो कहता है कि हम लोग लीगल नोटिस इनको भेजेंगे। अच्छा, आप भेजने की सोच रहे हैं लीगल नोटिस? हाँ जी मेरे ख्याल से वो भेज देगा कल तक। ठीक है। और जो आसपास आपके किसान बैठे थे, बुजुर्ग थे, वो कहीं आपसे थोड़ा नाराज तो नहीं हो गए थे कि आपकी फोटो कैसे आ गई वहां पे? नहीं नहीं वो नहीं नाराज थे, क्योंकि उनको इतना सोशल मीडिया का नहीं है, बुजुर्ग किसान तो नहीं सोशल मीडिया, क्योंकि यूथ है किसान सोशल मीडिया पे। वहां पे जब मैंने पोस्ट डाली थी वहां पे कमेंट्स देखे थे, एक दो मेरे खिलाफ लिखे हुए थे कि कोई ये लड़का ढूंढो कौन है जिसकी फोटो लगाई हो, क्योंकि उनको पता नहीं था, ठीक कुछ है। लोग नहीं मेरे को जानते तो वो मेरे को ढूंढने के लिए देख रहे थे। सो बाद में मैंने सुबह अपनी पोस्ट डाल के स्पष्टीकरण दे दिया था कि ये मेरी फोटो इन्होंने बिना बताए मिस यूज की है। सो सबने उनके खिलाफ किया बोला, तो उन्होंने अभी मेरे ख्याल से मैंने फिर दोपहर को 5-6 बजे देखा तो डिलीट कर दी ठीक, उन्होंने। हाँ जी हरप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बहरहाल ये पोस्टर ही हटा दिया गया है बीजेपी की साइड से। और अब आपको महाराष्ट्र से ले चलते हैं, वहां से किसानों की खबर। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे आंदोलन में महाराष्ट्र के किसान भी शामिल बताए जा रहे हैं। आज किसानों ने मुंबई के बीकेसी इलाके में कॉरपोरेट दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया। महाराष्ट्र में किसानों के अधिकार के लिए बने शेतकरी संगठन के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ नहीं, उसके समर्थन में। देश में जब कई किसानों की संगठनाएं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक उसी समय इस संगठन का मानना है कि इस कानून से किसानों को काफी फायदा पहुँचेगा। 1980 से ही किसानों के लिए बाजार को खोलने की मांग इस संगठन की ओर से की जा रही है। संगठन की शुरुआत कृषि नेता शरद जोशी ने की थी। खेती करने से पहले शरद जोशी स्विट्जरलैंड में बतौर अर्थशास्त्र काम करते थे और इनका मानना था कि कृषि क्षेत्र के बाजार को खोलने पर ही किसान को फायदा होगा। हाल ही में कृषि मंत्री से मुलाकात कर इस संगठन ने इस कानून का समर्थन भी किया। खुली अर्थव्यवस्था की जो मांग है हम 1980 से कर रहे हैं, लेकिन 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो हम खुश हुए। डंकेल प्रस्ताव को हमने स्वागत किया, थैंक यू डंकेल, दे दी तूने आजादी, हमने ऐसे नारे लगाए। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था सब जगह पे आई, कंप्यूटर में आई, टेलीकम्युनिकेशन में आई, सब जगह पे आई, कृषि में नहीं आई। इसलिए हम आंदोलन करते रहे। आज के डेट में अगर ये तीन कानून हमको खुली अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जाते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, इसीलिए हमने स्वागत किया है। संगठन से जुड़े किसानों का मानना है कि बाजार खुलने से उन्हें फायदा होगा और अतीत में ऐसा हुआ भी है। सोयाबीन की खेती करने वाले शिवाजी शिंदे के अनुसार सरकारी मंडी में सोयाबीन बेचने पर उन्हें नुकसान होता था और बाहर बेचने पर उन्हें फायदा हो रहा है। खुले बाजार में आज सोयाबीन का भाव दाम 500 रुपये ज़्यादा है। 3850 रुपये गवर्नमेंट की खरीदी है तो खुले बाजार में 42 से 45 तक सोयाबीन के रेट बढ़े हैं। आज कपास का इतना बुरा हालत थी हमारी, जो हमारे महाराष्ट्र में एकाधिकारशाही थी तो हम हमारा कपास कोई व्यापारी को नहीं बेचते थे, बाहर के स्टेट में ली जाके नहीं बेचते थे। गवर्नमेंट की एक ही फेडरेशन थी, वो फेडरेशन में हमारी बैल मंडी ली जाने की और एक एक महीना वहाँ रुकाना बैठना। गवर्नमेंट तीन तीन हफ्ते में पैसे दे देती थी, उसमें से 3% पैसे हमारे कपास काट के लेती थी। अब खुला बाजार हुआ तो कोई काटने की जरूरत ही नहीं, कोई हमारा पैसा लेता भी नहीं और घर पे व्यापारी हमें पूरी रोख रकम देके हमारा माल ली जाती। इस तरह के दूसरे और कई किसान हैं जिनका मानना है कि बाजार खुलने से उन्हें और लाभ होगा। मेरा अनाज पहले मैं मार्केट कमेटी में बेचता था तो उसे मेरा नुकसान होता था, तोलारी कटती थी, हमाली लगती थी। अब मेरा अनाज मैं बाहर बेच रहा हूँ तो मेरा दुगना फायदा हो रहा है। हर हर माल के ऊपर 200-400 रुपये बच रहे हैं। कृषि कानून का समर्थन करने वाले संगठनों को जहां पर बीजेपी का करीबी माना जाता है तो ये संगठन वो है
जो करीब 3 दशक से पहले से इसकी मांग कर रहा है। शायद खुले बाजार से इन्हें फायदा भी हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा है भी तो जरूरत था कि सरकार इनका उदाहरण देकर बाकी किसानों को समझाए कि ये कानून किस तरह से फायदेमंद होगा, ना कि इस कानून को उनके ऊपर थोपा जाए। नांदेड़ से कन्हैयालाल खंडेलवाल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारे सहयोगी कमाल खान ने खबर भेजी है कि जो लखनऊ और दिल्ली हाईवे है, रामपुर से दिल्ली की तरफ आ रहे जो लोग हैं, उस रास्ते पे किसानों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वहां पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी। कोरोना के नए स्ट्रेन पर सरकार का आश्वासन, का हालात यहाँ काबू में है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया है कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, रिकवरी रेट और डेथ रेट के आंकड़े जता रहे हैं कि मामले कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 19,556 नए मामले सामने आए, जो कि जुलाई से सबसे कम है। 173 दिन बाद 20,000 से कम ये मामले हैं और 163 दिन बाद एक्टिव केस 3 लाख से कम है। 5 राज्य जहाँ सबसे ज्यादा केसेस और मृत्यु हुई है वो है केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। साथ ही आपको बता दें, ब्रिटेन में मिले नए वेरिएंट से गंभीर खतरा नहीं है, ये भी कहा गया। जी, तो नए वेरिएंट की जो बात है उस पर कहा गया है कि उससे हमें गंभीर खतरा नहीं है, सुपर स्प्रेडर होने के बावजूद ये गंभीर नहीं है, यहाँ पे चिंता की बात नहीं है और ना ही पैनिक की कोई जरूरत है। देश में म्यूटेशन का कोई सिग्नल नहीं देखा गया है, बन रहे वैक्सीन पर म्यूटेशन से असर नहीं होगा। और वैक्सीन को लेकर ही तमाम सवाल होते हैं, तो कोरोना की वैक्सीन के लिए तैयारियां हर स्तर पर चल रही हैं। वैक्सीन कैसे आएगी, कहां रखी जाएगी, पूरे इंतजाम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। सुकीर्ति द्विवेदी हमारी सहयोगी बता रही हैं कि काम किस तरह से होने वाला है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं वैक्सीन के लिए। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरह से कार्गो टर्मिनल का वो हिस्सा है जहां पर एयरक्राफ्ट्स लैंड करेंगे और उसके बाद इस तरह से जो शिपमेंट कंटेनर्स हैं वो ट्रॉलीज के ऊपर प्लेस किए जाएंगे। तो ये वो जगह है जहां पर लैंडिंग होगी या यहां से प्लेन्स जो हैं वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी रहेंगे। तो इस तरह से ट्रॉलीज के ऊपर शिपमेंट कंटेनर्स इस तरह से मौजूद होंगे। हैवी सिक्योरिटी जैसी कि एयरपोर्ट्स पर मौजूद होती है वो होगी, साथ ही बहुत सारे ऑफिशियल्स इन सारे कंटेनर्स की जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक ग्रीन चैनल है जो कि तैयार किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। ग्रीन चैनल का मतलब ये है कि एक अलग से उन्होंने रास्ता बना दिया है ताकि जिसमें शिपमेंट कंटेनर्स रख करके ले जाए जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये एक जो ट्रॉली है जिसको अभी ग्रीन चैनल से ले जाया जा रहा है, इसी के ऊपर शिपमेंट कंटेनर्स रख दिए जाएंगे। जब एयरक्राफ्ट से कंटेनर्स को उतारा जाएगा तो इस तरह की ट्रॉलीज में रखा जाएगा और इस गेट से जो है निकाला जा सकता है डिलीवरी एरिया तक। इस पूरे प्रोसेस में जो है 40 मिनट का समय लगेगा। हम इस समय उस कोल्ड चेन पॉइंट पर हैं, यहाँ पर रोलर बेल्ट्स लगे हुए हैं जिन पे शिपमेंट कंटेनर्स जो हैं उनको मूव किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं वहाँ से कंटेनर लाया जा रहा है, इस तरह से कंटेनर को वो लाएंगे और उसको फिर रोलर बेल्ट्स पे रखा जाता है। ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ये इन रोलर बेल्ट्स के थ्रू किया जाएगा। जब कार्गो जो आएगा कार्गो टर्मिनल पर, जब शिपमेंट कंटेनर निकाल लिया जाएगा एयरक्राफ्ट से, तो इस तरह से रोलर बेल्ट्स पर मूव करेगा। हम इस समय कार्गो टर्मिनल के उस हिस्से के अंदर मौजूद हैं जहां पर -4 से -20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेंटेन किया जाएगा। आप देख सकते हैं अलग अलग हिस्से बने हुए। एक रोलर बेल्ट वाला हिस्सा था जहां पे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेंटेन किया जा सकता है। उसके अलावा एक दूसरा एक चेंबर बनाया हुआ है, कोल्ड चेंबर है जहाँ पर -4 से -20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। अब हम इस समय जिस वेयरहाउस में खड़े हैं यहाँ पर शिपमेंट्स रखे जाएंगे उन वैक्सीन्स के, जहाँ पर -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की ज़रूरत हो सकती है। आप देख सकते हैं कई कंटेनर्स इस वेयरहाउस के अंदर रखे जा सकते हैं। अभी इस जगह का तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान
18 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हमने पहले आपको दिखाया था कि वैक्सीन रखी कहाँ जाएगी, उसके लिए कूल चेम्बर्स थे जहाँ पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, -20 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए अलग सेक्शन था। अब हम आपको लेकर के आए हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा स्टोरेज के बाद जो वायल्स हैं उनको एयरक्राफ्ट तक पहुँचाने के लिए। अब एरोप्लेन तक पहुँचाने के लिए ये सुविधा होगी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कई कंटेनर्स रखे हुए हैं, इन्हें हम टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंटेनर्स कहते हैं, कोल्ड कंटेनर्स कहा जाता है। इनमें -20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेंटेन किया जा सकता है। उन सभी कंटेनर्स को इन ट्रॉलीज के ऊपर प्लेस किया जाएगा और ये ट्रॉलीज फिर जो है उसको इस कार्गो एरिया से आगे की तरफ एरोप्लेन की तरफ ले जाएंगी। तो आप देख सकते हैं एक भव्य अरेंजमेंट यहाँ पर है, स्पेशली अरेंजमेंट्स करे जा रहे हैं कि वैक्सीन्स का जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो, कोई भी टेम्परेचर को लेकर के कोई दुविधा ना आए। तापमान मेंटेन करने के लिए स्पेशल कूल कंटेनर्स हैं, पहले हमने स्टोरेज के लिए कूल चेम्बर्स देखे थे जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे जहां पर तापमान मेंटेन किया जा सकता है, और उसके बाद जब वो खुले एरिया में भी आती है तो भी एक तापमान को मेंटेन करने वाले कंटेनर्स के अंदर वैक्सीन्स को रखा जाएगा ताकि उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, आगे हैं जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय चुनाव हुए हैं, डीडीसी चुनावों के नतीजों के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जनादेश केंद्र के फैसले के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में हुए पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल स्थानीय चुनाव में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लरेशन और बीजेपी के बीच मुकाबला है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब तो श्रीनगर और आसपास के इलाकों में गुपकार के उम्मीदवार आगे हैं। इन चुनावों में 280 सीट पर चुनाव लड़ा गया है, 2100 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस लिए जाने के बाद ये पहला चुनाव है जो यहाँ हो रहा है। इसमें लोगों ने अच्छी तादाद में पहुंचकर वोटिंग भी की है और हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है, आइए सुनते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कैंपेन भी न करें, खासतौर पे अपोजिशन जब इलेक्शन में कैंपेन न करें, उसके बावजूद भी लोग उनके हक में वोट दें, उसका मतलब क्या होता है? जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, लीड साफ बताती हैं गुपकार अलायंस या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को साफ लीड है इस इलेक्शन में। मेरे साथ हैं उमर अब्दुल्ला। उमर साहब, क्या है आपके तासुरात, जो लीड्स मिले अभी तक, जो अभी तक आपके हम पास सोच रहे हैं? बहुत हद तक मुतमयन हैं, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल इसी दौर हम कहाँ थे, जेलों में थे, हम जेलों में थे, हम बंद थे, कुछ PSA में बंद थे, कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद थे, कुछ गैर कानूनी तौर घरों में बंद रखे गए थे, और उस वक्त क्या तासुर दिया जा रहा था। मेरे कुछ लोग जो अपने आप को जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं वो तक कह रहे थे कि मिट गए ये लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, अब ये लोग कभी उठेंगे नहीं, ये दो जो इन्होंने खानदानी सियासत चलाई है अब इनका एड्रेस नहीं मिलेगा। मैं और क्या कह सकता हूँ, अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से, इस अलायंस के तरफ से उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करूँगा जिन्होंने हमें वोट दिया, बल्कि उनका भी शुक्रिया करूँगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया लेकिन जिन्होंने इस सिलसिले में हिस्सा लिया, जिन्होंने जमहूरियत को दोबारा जम्मू कश्मीर में कायम किया, जिस जमहूरियत के कत्ल में BJP जो है वो मुलविस है। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो जमहूरियत का कत्ल माना जाता है। आज हमने दोबारा यहाँ पे जमहूरियत को कायम करने में क्या एक बुनियाद के लिए क्या बुनियाद रखते माने रखते आपके लिए आज का वर्डिक्ट, आज का वोट बिल्कुल साफ है। हमने अलग मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा नहीं, हमने तो सिर्फ कहा कि हम पीपल्स अलायंस हैं, हम 5 अगस्त 2019 की मुखालफत करते हैं और उसके बुनियाद पर हमें वोट मिले। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो 5 अगस्त 2019 को नहीं मानती। लेकिन आपने एक बार भी कैंपेनिंग नहीं की? नहीं किया, न आपने की, न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, न महबूबा मुफ्ती ने की। बिल्कुल, और अच्छी बातें हमने नहीं की। कोई हमें ये नहीं कह सकता था कि हमने वोटर को भुकलाया, हमने वोटर को डराया, हमने वोटर को धमकाया, हमने इमोशनल कार्ड खेले, हमने मजहब का कार्ड खेला, हमने इलाकाई कार्ड खेला, हमने कश्मीर को जम्मू से लड़वाया, हमने हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, हमने कुछ नहीं किया, हम चुप बैठे, हमने हमने अपना भरोसा सबसे पहले चुप रहने को भी सियासत कहते हैं।
वो क्या कहते हैं हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब ने नहीं कहा कि निर्णय ना लेना भी अपने आप में निर्णय है, कभी कभी कैंपेन में हिस्सा ना लेना भी अपने आप में कैंपेन है। हमने अपना भरोसा सबसे पहले अल्लाह ताला पे रखा, उसके बाद हमने भरोसा अपना वोटर पे रखा। हमने कहा अगर इलेक्शन में चोरी नहीं होती तो जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे सिर आंखों पे, अगर वो हमें सीट नहीं देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं और हमें अपना रास्ता बदलना होगा। लेकिन लोगों का जो फैसला है उससे सही सही उससे बिल्कुल पता चल जाता है कि अगर गलत रास्ता किसी का है वो बीजेपी का है। कश्मीर में भी यही बात आपको सुनने को मिली, जम्मू में भी आपको ये बात सुनने को मिली, अगर आपने करगिल लद्दाख में ये लेह में ये इलेक्शन कराए होते आपको वहाँ से भी ये आवाज़ सुनने को मिल जाती। 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एएमयू की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिलकर चलने पर हर मंजिल पा सकते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100वीं वर्षगांठ पर कहा है कि वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर देश को बनाने के मुद्दे पर एएमयू के छात्र निकल पड़े तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो मिलकर हासिल ना हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि एएमयू के सपनों को पूरा करने में सरकार हर मदद करेगी। एएमयू के 100 साल का जश्न है, 56 साल बाद देश के किसी पीएम ने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत की। पीएम मोदी जिस पार्टी और संगठन से आते हैं उसे एएमयू के तमाम लोगों के वैचारिक मतभेद हैं, ऐसे में सबकी निगाहें उनके भाषण पे थी। पीएम ने उन्हें वैचारिक मतभेद के बावजूद देश की खातिर साथ आने की दावत दी। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके पे एएमयू की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि एएमयू कैंपस में एक मिनी इंडिया बसता है। एएमयू ने 100 साल में लाखों जीवन तराशे हैं। 100 साल पहले यहाँ संस्कृत विभाग कायम हुआ, यहाँ गीता और रामायण के अनुवाद की मैनुस्क्रिप्ट सहेजी है। एएमयू वाले दुनिया भर में देश के नुमाइंदे हैं। खुशी की बात है कि एएमयू में 35% छात्राएं हैं। कोरोना की मुफ्त जांच और इलाज में एएमयू ने मिसाल कायम की है। पीएम ने कहा कि 100 साल पूरे होने पे एएमयू के 100 हॉस्टल के छात्र एक नया प्रोजेक्ट लें और 100 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पे रिसर्च पेपर लिखें। बढ़ाने के लिए 75 हॉस्टल्स, एक एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर पर एक एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 25 हॉस्टल्स महिला फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का रुख एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ रहा है, सीए आंदोलन में शामिल होने से एएमयू के छात्र राइट विंग संगठनों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में पीएम की स्पीच को लेके उन्हें कुछ अंदेशे भी थे, लेकिन पीएम ने कहा कि वे उनके ख्वाब पूरे होने में मदद करेंगे और एएमयू के भी उत्तम भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आपकी प्रगति के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम भी कभी पीछे नहीं रहेंगे। एएमयू के शिक्षकों छात्रों में एक उम्मीद जगी है कि शायद अब उनके रुके काम पूरे होंगे और यूनिवर्सिटी के स्टेटस को खतरा नहीं होगा। मैं इस खिताब को इंतहाई अहम मानता हूं क्योंकि कम से कम 50 साल से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। इस खिताब में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखता हूं। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की इतनी तारीफों के बाद तमाम लोगों में एएमयू को लेकर के उनका परसेप्शन बदले, और ये एएमयू की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों को एक प्रगतिशील और आधुनिक सोच से लैस कर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लायक बनाए।
अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।